हेलो एवरीवन, वेलकम टू मायरा एंड मम। तो आज हम पढ़ रहे हैं आ की मात्रा का अभ्यास। आ की मात्रा के जो शब्द आते हैं उससे रिलेटेड एक सिंपल सा कविता और उसके रिलेटेड सम एक्सरसाइजेस। सो आ की मात्रा कैसी होती है? आ की मात्रा होगी इस तरीके की। तो इसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ शब्द है जो कि समायरा हमें पढ़कर सुनाएगी। समायरा, कैन यू स्टार्ट नाउ बेबी प्लीज? ओके। चलो अभी ब्रेक करके पढ़ो अगर पढ़ने नहीं आ रहा। रा को आ की मात्रा दे तो रा, आराम। वेरी गुड। आराम आराम। अब वाद वाद क्या है? पढ़ो, ये क्या है? आवाज। ये क्या जो, है? जो, आवाज 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 नेक्स्ट आवाज कान कान ताला माला। वेरी गुड। पढ़ो और समझो क्या बोल रहे हैं। पढ़ो एंड रीड एंड अंडरस्टैंड। फर्स्ट रीड दिस लेटर्स। क ग ज न म। अगर उसको आगे ग ज न म, ये बिना मात्रा के शब्द है। कैन यू रीड दिस बिना मात्रा के शब्द फर्स्ट? कल जल छत नत नल थल। अब इन सबको आ गई आ की मात्रा। तो अब देख के पढ़ो। कर ल आ कल मायरू क को आ की मात्रा दे तो क, ला को आ की मात्रा दे तो ला, काल काल काल। कैसा है? का ला। पढ़ो अभी। काला काला ब्लैक काला। जाला जाला मीन्स द नेट। यस नेक्स्ट। छाता छाता मीन्स अम्ब्रेला। या अम्ब्रेला। नाला नाला मीन्स ड्रेनेज ड्रेनेज। नेक्स्ट। ताला ताला मीन्स लॉक। नेक्स्ट रीड दिस मायरू ब्रेक एंड रीड। चलो काम छाम काम उसके बाद ये क्या है? ऐसा पढ़ो काम ऐसा पढ़ो काम। No, I wanna read like this. Okay. काम चा 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 को आ की मात्रा दे तो चा, चा को आ की मात्रा दे तो चा चा चा। अचार अचार टमाटर दम 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 मा मा आ माँ को आखी मात्रा दे तो माँ, माँ को आखी मात्रा दे तो माँ मामा। अनार अनार पत प को आखी मात्रा दे तो पत। श श को आखी मात्रा दे तो शा पताशा। ला को आखी मात्रा दे तो ला पताशला। पाठ पाठशाला। पाठशाला व्हाट पाठशाला? पाठशाला मीन्स स्कूल। स्कूल व्हाट इज पाठशाला? स्कूल। नाम नाम ब्रेक करके पढ़ो। ना ना को आगे मजा दे तो नाम ना ना पढ़ते क्या ना को आ की मात्रा दी तो यू जस्ट से ना। व्हेनेवर यू सी आ की मात्रा वो लेटर होगा ना द चा ल ऐसा ना आ नहीं होगा। ना को आ की मात्रा दी तो ना ना को आ की मात्रा दी तो ना 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 बा 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 हा हा को आ की मात्रा दी तो हा बाहा र बाहर। वेरी गुड। दा द द को आखी मात्रा दे तो द क द क ख द ख द ख
ख को आ की मात्रा दे। बस ये बोलो माँ, डाक को आ की मात्रा दी तो ड। नेक्स्ट क्या है ये का, का। तो ये क्या हुआ डाक डाक। ख को आ की मात्रा दे तो ख डाक। ना को आ की मात्रा दे तो ना डाकना। डाक खाना, डाक खाना, पूरा खाना। सो मच प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर देम टू अंडरस्टैंड। तो जो ब्रेकिंग हो रही है उसमें एक्चुअल कवर नहीं कर पाएंगे बच्चे, तो उनको बार बार आप प्रैक्टिस करवाते रहिए। ये फिर से पढ़ो। श्याम, दादा, पहाड़, समाचार मीन्स न्यूज़। शाम मीन्स इवनिंग, दादा मीन्स ग्रैंडफादर, पहाड़ मीन्स माउंटेन। अच्छा, नाउ लेट्स अस डू दिस शॉर्ट कविता। गाय का कान, गाय का चार राखो आखी माता ये तो रा चारा। गाय का चारा means गाय, yes, cow food, this is चारा। गाय जो खाता है उसको कहते हैं चारा। चलो read। राम रा राखो आखी माता ये तो रा माँ को आखी मात्रा दे तो माँ रामा रामा बजार रामा बजार ज बजार जा। बाजार मीन्स मार्केट। हाँ, बजार जा बाजार जाकर गाय का कारा चारा ला। रामा गाय का चारा ला। देखो यहाँ पे ला को आखी माता दे तो ला, या को आखी माता दे तो या लाया लाया। चारा छ को आखी माता दे तो छा, रा को आखी माता दे तो रा चारा। दा तो को आखी माता दे तो ता, जाको आखी माता दे तो जा ताज ताजा। था वेरी गुड, समझ में आया। आप जल्दी जल्दी पढ़ के सुनाओ। आई कांट टेल जल्दी जल्दी, ठीक है? प्लीज पढ़ो, फिर से एक बार पढ़ो। रामा, ओके ठीक है, छोड़ लो। तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, अभी तो शुरुआत हुई है, सो दे नीड लिटिल मोर प्रैक्टिस ऑन दिस, एंड दिस इज द अभ्यास। जोर जोर से पढ़ो। तो इस तरीके की अभ्यास की प्रैक्टिस है जहाँ पे बच्चों को रीड अलाउड करना है। देन चित्र के नाम, चित्र के नाम तक रेखा खींचो। सो दे हैव टू आइडेंटिफाई, यहाँ पे वर्ड्स की प्रैक्टिस हो रही है बच्चों को। ये पिक्चर्स देखकर वो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हिंदी में ये वर्ड्स है क्या, इसीलिए इस तरीके की प्रैक्टिस, सो दैट दे विल नो, दे'ल से दिस इज टमाटो प्लांट अम्ब्रेला। सो लेकिन हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसकी प्रैक्टिस के लिए, ये है टमाटर, ये है गमला, ये है गाजर और ये है छाता। देन दिस काइंड ऑफ सिंपल प्रैक्टिस। आई होप यू हैव लर्नड अ बिट फ्रॉम द वीडियो एंड आई होप ये आपके बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। सो वेन एवर यू हैव टाइम, ये बुक लेकर बैठिए एंड बच्चों को स्वर मात्राएं और उनसे रिलेटेड ऐसे वर्ड्स की प्रैक्टिस कराएं ताकि आगे जाके उनको आसानी हो। यू ऑल हैव अ वेरी गुड डे। बाय बाय।